नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। 23 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को पाकिस्तान जाएगा सिख जत्था। पेरिस में हुए आतंकी हमले में मरने वाले लोगों को दी गई बच्चों द्वारा श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। पूरी दुनिया में बसते सिख भाईचारे की तरफ से दशम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का ज्योति जोत दिवस बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं इस दिन को समर्पित सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में विशेष धार्मिक दीवान भी सजाए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस दिवस पर गुरु घर माथा टेका और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के ग्रंथी जगतार सिंह ने बताया कि दशम पिता ने सिख कौम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानने का हुक्म सुनाया था। हक हक आगा गुरु गोविंद सिंह शाहे शाहनशाह गुरु गोविंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह ऐसे सतगुरों का अज ज्योति जो समान का पुरब है। सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के अंदर समूह संगत वालों सतगुरु महाराज के इस गुरपुरब को मुख रख के अपनिया भावनावान श्रद्धा अर्पित कीतियां जा रही ने। सचखंड श्री हरिमंदर साहब के विच अज सवेरे अरदास भी इस विषय विच गुरु संगत ने अरदासिए दे नाल मिल के की। कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी ने मनुखता दे भले वास्ते जाबरां दे जबर नूं दबाउण वास्ते कुल 14 लड़ाइयां लड़ियां। सतगुरां ने अंत वेले सानूं हुक्म करके गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लाया ते आखिया सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अज भी सतगुरु महाराज साडे विच ने। जे असीं रोज़ अरदास करदे हां दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ। देश अटारी वाघा सरहद पर उस समय सनसनी मच गई जब चंडीगढ़ की एक कार ने ऐसा उत्पात मचाया जिससे कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया। दरअसल सुबह 3 से 4 बजे के करीब चंडीगढ़ के नंबर CH-03U-1685 की स्कॉर्पियो कार अचानक तेज रफ्तार से आने के बाद देश के अंतर्राष्ट्रीय सरहद की जीरो लाइन से जाकर टकरा गई। कार को सुरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति चला रहा था जो मूल रूप से कैनेडा का सिटीजन है। इतना ही नहीं, इस मौके पर BSF के अधिकारी इस बात पर अपना बचाव करते हुए नजर आए। वहीं इस सुरक्षा की चूक से बचने के लिए मीडिया को आज वाघा सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया और मीडिया के जाने पर रोक लगा दी गई। ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿਸਨ ਚੱਲਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਤਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਭਰਾ ਜੀ ਸਹੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਭਰਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹੀ ਨਾ ਖਾਲ ਸਕੋ। पर सानू यह नहीं पता सी कनेडा ते USA दे बार्डर नालों ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ। ਗਤ ਰਾਤਰੀ ਇੱਕ ਸਕੋਰਪੀਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦਿਗਧ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਇਆ ਗਾੜੀ ਮੈਂ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਸੰਤਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲਰਟ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਸਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਤੁਰੰਤ ਰਿਐਕਟ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਆਗੇ ਕੀ सेंट्री पोस्ट थी उन्होंने उसको रोका और उसको काबू कर लिया।
और तत्पश्चात पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया संदिग्ध व्यक्ति को, और सभी एजेंसीज संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है कि इस प्रकार से रात को उसने क्यों हरकत की। वर्तमान में यहाँ पे स्थिति पूरी तरह ठीक है और सभी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था सुचारू है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर के बेटे और कांग्रेस के सीनियर नेता अनिल शास्त्री अमृतसर आए। इस मौके पर उनका अमृतसर में स्थित देहाती कांग्रेस के कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद हुए। इस अवसर पर अपने पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वे रूबरू भी हुए। दरअसल वे पाकिस्तान में होने वाले एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमृतसर आए थे। इस पर पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि पंजाब में हो रही अकाली दल की रैलियों का कांग्रेस को जमकर विरोध करना चाहिए और लोगों को भी खुलकर इसका विरोध करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान के दौरे के तहत इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, साथ ही वह लाहौर भी जाएंगे। मैं जो चीन की भूमिका बढ़ती जा रही है उस पे मुझे वहाँ एक निमंत्रण आया है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मैंने ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा जी से अनुरोध किया कि मैं अमृतसर होकर जाना चाहूँगा और यहाँ मैं कांग्रेस जनों से मिलना चाहता हूँ और दरबार साहब के दर्शन करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है। देखिए, ऐसा है कि फार्मर्स जो सुसाइड कर रहे हैं इसके लिए प्रकाश सिंह बादल सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। प्रकाश सिंह बादल सरकार हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, हर क्षेत्र पे, हर फ्रंट पे वो फेल हो चुके हैं। और मेरी ये भविष्यवाणी है कि 2017 में कांग्रेस की सरकार फिर से बनने वाली है। आवश्यकता इस बात की है कि सारे कांग्रेस जन एकजुट हो जाएं और एक होकर अगर ये लड़ाई लड़ते हैं तो प्रकाश सिंह बादल का सफाया हो जाएगा। ऐसा है, किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में, डेमोक्रेटिक पार्टी में थोड़े बहुत मतभेद होते हैं और इस मतभेदों के को सॉल्व करने के लिए, इनके समाधान के लिए हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी पूरी तरह से, उनको जानकारी है और उसका वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले। अभी तक केवल हम भाषण सुन रहे हैं, डेढ़ साल से जमीन पे कुछ नहीं हुआ है, ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव के दौरान अच्छे दिन लाने के, उन वादों को पूरा करने का काम शुरू करें, वरना वो 3.5 साल भी अपना पूरा नहीं कर पाएंगे जो बचा है बाकी। ऐसा है, ये सब सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, ये उनका काम है। और सुरजीत सिंह जी जो कह रहे हैं वो अपना कहते रहे, लेकिन मैं उस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो एक्चुअली सिक्योरिटी एजेंसीज का जो उनकी जो इंक्वायरी है, उनका जो उनसे जो जानकारी मिलती है उसी पे हमें जाना चाहिए। थाना शिहाता पुलिस ने अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या के 2 आरोपियों को कोट खालसा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से हत्या में प्रयोग की गई लाठी भी बरामद कर ली गई है। आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। थाना शिहाता के SHO अरुण शर्मा ने बताया कि रविवार रात ऑटो चालक सतनाम सिंह उर्फ श्यामा निवासी इंद्रपुरी कोट खालसा को मोबाइल पर रंजीत सिंह उर्फ टैनी निवासी भूतनपुरा ने बुलाया था। इसके बाद रात 11:30 बजे श्यामा को घायल हालत में घर पहुंचाया गया। इस संबंध में पुलिस के समक्ष आरोपियों ने माना कि उन्होंने श्यामा को फोन करके बुलाया, उसके बाद उस पर लाठी से वार करके उसकी हत्या कर दी। सानू ज्योति पत्नी सतनाम सिंह वासी कोट खालसा ने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जिसमें उन्होंने दसाया कि उन्होंने पति नू परसों रात एक फोन आया और फोन रणजीत सिंह एलियास टैनी ने किया और उन्हें किसी काम लिए इन्हों के पति नू अपने घर बुलाया। जो तो काफ़ी देर इन्हों के पति घर वापस नहीं आए तो यह अपने भनेवे नाल लैके तो अपने पति की भाल में गुरु नानकपुरा के लागे जो पहुंचे तो इन्हें देखा कि इन्हों का पति अगे अगे भजा जा रहा है तो वो पिछे रणजीत सिंह एलियास टैनी और सतनाम सिंह एलियास गयानी, ये दोनों मोटरसाइकिल तो पिछा कर रहे थे और साढ़े देखद उन्होंने इन घेर के तो जमीन पर सुट लिया तो ये सिर के एक डंडे ना वार किया जिद नाल उत्थे गिर गया तो उन्होंने घसुन मुखी करते रहे। इन्हों की पत्नी ने तो भनेवे ने रौला पाया, उन्होंने देख के दोनों मौका तो फरार हो। इन्हों सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस के उत्ते 21 नंबर फाटक कोट खालसा के लागों अरैसट किया। कतल इन्होंने इस करके किया क्योंकि रणजीत सिंह एलियास टैनी जड़े ने इन्हों की छोटी भैन है दीपू, इन्हों डाउट कि उस लड़के दे दीपू के नाल इलिसिट रिलेशन लेबर करते ने दोनों हुण असी दोनों दी अरेस्ट पा के कल ऑनरेबल कोर्ट दे विच पेश करावांगे। बंदी छोड़ दिवस के मौके पर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में हुई दुखद घटना के दौरान श्रोमणी कमेटी के मुलाजिमों की
भूमिका संबंधी जांच के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से 4 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया है, जो पूरी जांच के बाद 15 दिनों में अपना जवाब प्रधान कमेटी सरदार अवतार सिंह मक्कड़ को सौंपेगी। इसकी जानकारी देते विधायक सकत्तर दलजीत सिंह बेदी ने बताया कि उस दिन हुई दुखद घटना के दौरान कमेटी मुलाजिमों की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद कमेटी प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने ये कमेटी का गठन किया है। जथेदार अवतार सिंह प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बंदी छोड़ दिवस दिवाली मौके जिहड़ा कौम दे नां संदेश दिता जाण वाला उस वेले जिहड़ा सिंह साहिबान वालों संदेश दिता जाना सी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और मुख्य ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब वालों जो उस वेले प्रबंध किए गए उन्होंने प्रबंधों के कित्थे कित्थे कितने कोई कमजोरी रह गई कोई उहदे च ऊणता ही रह गई जिस करके मतलब उन्होंने वख वख पासियां तो कुछ इस तरह दियाँ कोई शिकायतां मिलियां ने कोई शिकवे मिले ने उन्होंने संबंध के उन्होंने समुचे रूप से उन्होंने की भूख पड़ताल करने वास्ते एक कमेटी का गठन किया है जिहड़ी अपनी 15 दिनों के सारी भूख पड़ताल करके रिपोर्ट उन्होंने सौंपेगी। इस दे विच सरदार रजिंदर सिंह मेहता सरदार नरमैल सिंह जौला सरदार मोहन सिंह बंगी ते सरदार अवतार सिंह सकत्तर साबा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं शामिल किया गया है। ये थोड़े दिन च अपनी सारी पड़ताल करके उन्होंने समझ जिहड़ी बनती रिपोर्ट आ ਉਹ ਜਹੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਗਾਂਵ ਮੇ ਆਜ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੋ ਲੇਕਰ 2 ਗੁੱਟੋਂ ਮੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਆਜ ਸਥਾਨੀ ਲੋਗੋ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ। ਵਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਮਾਂਗ ਭੀ ਕੀ। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पहले भी अदालत में एक याचिका दायर भी की थी, जिसमें कि फैसला अदालत ने स्थानीय लोगों के हक में किया था। वहीं इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस गुरुद्वारा साहिब में जो केस चल रहा था वह स्थानीय लोगों ने जीत लिया था और अब बारीकी से इस मामले की कार्रवाई की जाएगी। देखो जी गल पता की आ, सानू 4-5 साल हो गए रिड़कड़ के मारिया ने, कदे केस जितने जा कदी फिर अपील करना, कदी जे केस जा फिर अपील करना। दूजी गल इहने मीटर जिहड़ा है ना किसे साधा होने नाम राही वह मीटर जिहड़ा तरा के अपने ना कराया 420 इत्थे बंदी सी। असीं 3 साल हो गए सानू थाने च धक्के खांदिआं नूं, साडी पुलिस ने भी नहीं सुनी। वो परचा जे इत्थे होइदा ते आटोमैटिक इहनूं गुरदुआरा वेला करना पैणा सी। ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ 2 ਰੱਖੇ ਆ, ਗੰਦ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੱਤੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਵਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਔਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਏ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋ ਆਜ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਕੀ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਹਾਂ ਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰੋਪੀਓਂ ਕੋ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪਰ ਭੇਜ ਦਿਆ। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 14 दिन के रिमांड की मांग की थी। वहीं कोर्ट में पहुंचे गुरदीप सिंह बठिंडा और सतनाम सिंह मनावा ने आरोप लगाया कि
पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया है, जबकि सरबत खालसा के दौरान ना तो देश के विरोध में कोई बयानबाजी की गई थी और ना ही देश के विभिन्न धर्मों के बीच कोई तनाव बनाने की बात की गई थी। बिलकुल गलत परचा दर्ज किया सड़ते और मतलब सानू सवेर तो लिया के इतने रखा हुआ और मतलब दाबे मारे जा रहे हैं मतलब आ कुछ करते हो तुम देश तोड़ रहे हो असि बिलकुल कोई देश तोड़ने वास्ते गल नहीं की और मतलब पुलिस की सरासर धक्का पुलिस ने ही दसना चाहते हैं कि तू साडे नाल धक्का ना करो साडे नाल धक्का करोगे परचा बिलकुल गलत है साडे नाल धक्का करोगे संगतां जिहड़ियां बाहर बहुत रोह विच ने और मतलब ये जिहड़ी बादल दी सरकार बज रही संगतां नूं अहीं कहना चाहुंदे शांत बई बनाई रखो बिलकुल जिहड़ा परचा दर्ज होया बिलकुल झूठा जी बिलकुल बेमतलब ना असी कोई हिंदू सिख एकता के विरुद्ध ना कोई उत्थे भड़काऊ नारा लग्या सरकार नूं तां सानूं शाबाशी देनी चाहिए लखां बंदे शांतमई ढंग नाल घरों करी गए है की लगदा सरकार सरबत खालसा ते जिहड़ा इकट्ठे हो तो डर के उह तो बिलकुल घबरा गया सरदार सुखबीर सिंह बादल आपका मानसिक तवाजन खो चुके सिख संगतां नूं की अपील करोगे शांति दी भाईचारा इकट्ठा रखो शांतमई ढंग नाल डट के विरोध करो इस सरकार स्थानीय पाक होटल में केजीएन वेलफेयर आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की तरफ से अनुशास्त्री साबका मंत्री और सुपुत्र श्री लाल बहादुर शास्त्री पूर्व साबका प्रधानमंत्री के अमृतसर पहुंचने पर भव्य स्वागत सोसाइटी की संचालिका श्रीमती रेखा महाजन की अध्यक्षता में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री प्रमोद भाटिया सीनियर वाइस प्रधान ने उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इस अवसर पर उनको सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान गुरमीत भाटिया श्री जोगविंदर सिंह जज ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस श्री वीपी लुम्बा श्री दीपक कुमार मिंटू श्री अमनदीज मित्तल आदि अन्य सभी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्रीमती रेखा महाजन ने कहा कि युवा पीढ़ी को आगे आकर देश और समाज की उन्नति के कार्य करने चाहिए। है कि समाज सेवा एक ऐसा काम है जो कि कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में किया जाए वो अच्छा है और बड़ा सराहनीय है, क्योंकि समाज सेवा का काम जिसको कहते हैं थैंकलेस काम होता है, लोग मतलब ये धन्यवाद रहित लोग कभी भी व्यवहार नहीं इसका मानते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे समाज सेवा का काम कर रही हैं और इसमें रेखा महाजन जी का जो योगदान है वो भी सराहनीय है। मेरी शुभकामनाएं इस संस्था के साथ। मैं रेखा महाजन केजीएन वेलफेयर सोसाइटी संचालिका। आज हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री जी के अमृतसर पहुँचने पर उनका स्वागत किया है सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि जो बहादुर लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनके कार्यों को और उनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है, तो हम चाहेंगे कि उनके सुपुत्र जो हैं या दूसरे लोग जो हैं वो हमारे देश के लिए समाज के लिए जो भी आगे आएगा केजीएन सोसाइटी उनका स्वागत करेगी उनको सम्मानित करेगी। इसी मकसद के साथ आज केजीएन सोसाइटी ने उनका यहाँ पर स्वागत किया ताकि हम उनको एक सम्मान दे सकें जो लोग भी हमारे देश के लिए युवा पीढ़ी के लिए हमारे नौजवानों के लिए सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आगे आ रहे हैं जो कुछ कार्य कर रही हैं, तो केजीएन सोसाइटी जो है ऐसे लोगों की हमेशा ही धन्यवादी रहेगी। पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान जाने वाला जत्था अब 23 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को दफ्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से रवाना होगा। इसकी जानकारी देते कमेटी के विधायक सकत्तर दलजीत सिंह बेदी ने बताया कि पहले ये जत्था तय समय 23 नवंबर को यहां से जाना था, पर आय परिवर्तन के कारण इसकी तारीख को पीछे डाल दिया गया है और अब ये जत्था 20 नवंबर को यहां से रवाना होगा, जो वहां 25 नवंबर को पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्री ननकाना साहिब में मनाएगा तथा और गुरु स्थानों के दर्शन दीदार करके 23 नवंबर को वापस भारत आएंगे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ਦਾ ਪਰਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਜਾਏਗਾ।
साहिब श्री गुरु नानक देव जी का उत्थों का प्रकाश पुरब जोड़ा है दिहाड़ा है 25 नवंबर में उत्थों मना के वक् वक् गुरद्वारा साहबान तो पंजा साहब तो ननकाणा साहब तो और लाहौर तो होंदा होया फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद देश और दुनिया भर से दुआ के हाथ आगे आने शुरू हुए हैं। इस बीच अमृतसर में एक विश्व शांति समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि बच्चों ने मोमबत्तियां जलाकर हमले में मारे गए लोगों की आत्मिक शांति की अरदास की। साथ ही बच्चों ने ये संदेश दिया कि आज जरूरत है कि हम लोग केवल मदद के लिए आगे आए। वहीं इस मौके पर बच्चों ने आतंकवाद विरोधी स्लोगन पकड़कर आतंकवाद के खिलाफ संदेश दिया। इस मौके पर बच्चों ने कहा कि ये हमला एक देश पर नहीं बल्कि मानवता पर हुआ है और इससे मानवता का कत्ल हुआ है, इसलिए आज जरूरत है कि सब देश एकजुट होकर इस आतंकवाद को खत्म करें, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। आज हम यहाँ पर जो फ्रांस में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए और हम सब ने मिलकर ये प्रेर की कि इस तरह के आतंकवादी हमले दोबारा से घटित ना हों, क्योंकि ये हमला सिर्फ फ्रांस पर नहीं बल्कि पूरे विश्व पर, पूरी मानवता पर हुआ है। अगर इस तरह के आतंकवादी हमलों को रोका ना गया तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे संसार के देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक फ्रांस नहीं बल्कि सारे देश मिलकर कोई ना कोई ऐसी योजनाएं बनाएं कि इन आतंकवादी हमलों और नरसंहार को रोका जाए। आज हमने यहाँ पर कैंडल्स जलाई और टेररिस्ट के अगेंस्ट जो है वो कुछ बैनर्स शो किए, ताकि ये जनता के लिए एक प्रेरणा जो है वो बने कि दोबारा से इस तरह के आतंकवादी हमले जो हैं वो ना हों। आज हमारे स्कूल में कैंडल लाइट्स कैंडल बर्न की, जिससे जो लोगों की मृत्यु हुई थी पेरिस घटना में उनकी आत्मा को शांति मिली। तो हमने प्रार्थना की जो लोग घायल भी हुए हैं वे जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं तथा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। अगर हमें इसको ख़त्म करना है सारे मानव को मिलके, सारे संसार के मानव को मिलके एकता के साथ इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। अगर एक एक करके होगा तो इसका कोई हल नहीं निकल सकता। अगर पूरी मानव जाति इसको मिलकर कुछ करेगी तो ये पक्का इसका हल जरूर निकलेगा। आज अमृतसर में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें थाना कंटोनमेंट की पुलिस ने एक दूल्हे को पिपली साहिब गुरुद्वारा में शादी करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर दूल्हे की पहली पत्नी अमृतपाल कौर निवासी हरियाणा ने पत्रकारों को बताया कि दूल्हा राजवंत सिंह से 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी, जिसके बाद वह लड़ाई झगड़ा करने लग पड़ा था, जिससे उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर कोर्ट में केस दर्ज कर दिया था। इस संबंधी आज जब उसे पता चला तो आज उसने पुलिस और मीडिया के सहयोग से उसे दबोच लिया। इस संबंधी जब पुलिस से बातचीत की गई तो इस मामले में महिला विंग की इंचार्ज ने पत्रकारों को बताया कि उनके पास एक कंप्लेंट आई थी, जिसके तहत उन्होंने राजवंत सिंह को शादी करने से पहले ही दबोच लिया। साथ ही कहा कि इस मामले में जो बनती कार्रवाई होगी की जाएगी। कोर्ट दे ऑर्डर है के ले उन्हें बखा दे यार, ये इल्जाम लाया सही है कि झूठा है कि की जगत जिद्दा में मर्जी थाने मैं दाता जो भी है। बलवंत सिंह देखो जी, इन 2 साल हो गए सुख घरों गई नू, हुण अजकल मुंडे कहड़े रहिंदे आ। इहने मुंडे ने आखिया मैं विआह करवाउणा वा, इहदे कुछ साडे कोल जज दे आर्डर ने, एक्स पार्टी होई आ, एस एच ओ दा डिप्टी दा सारा लिखिया होया वा। नहीं नहीं, विआह होया, मैं विआह इहनां करवाया, पता नहीं किसे कराया, मैनूं इहदे बारे वी कोई पता नहीं गा। बेदखल, मेरे वल्लों बेदखल सीगा। हुण इह कदी कदी घर आउंदा तां मैं विआह करवाउणा, मैनूं इस गल दा वी नहीं पता। फिर बच्चे दे करके रखण वाले, अजे विआह तां होया ही नहीं गा, पर विआह कराउण दी। हाँ जी हाँ जी, वेखो जी इहदे विच सज़ा वाली तां गल कोई नहीं हैगी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵਾਈਫ ਆਫ ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਪਰ। 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਨਵੰਬਰ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖ ਜੱਥਾ। पेरिस में हुए आतंकी हमले में मरने वाले लोगों को दी गई बच्चों द्वारा श्रद्धांजलि। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।